जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, दोनों जगह जलेबी फ्राई हो रहा है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से दो दो कढ़ाई रखा चुका है। कि जलेबी का साइज कितना बड़ा है, और आप भी लोग जलेबी खाना चाहते हैं, आइए खाइए जलेबी। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आपसे बहुत अच्छे होंगे। आज 26 जनवरी है, हम सोचे क्यों ना आज 26 जनवरी का कुछ स्पेशल किया जाए, इसलिए आज हम आ चुके हैं जलेबी का ब्लॉग बनाने। और देख लीजिए जलेबी के दुकान पर भीड़ कितना ज़्यादा है, जितना भी कस्टमर है पूरा खड़ा है जलेबी का वेट कर रहे हैं। जैसे ही जलेबी बन के आता जा रहा है वैसे ही कस्टमर को दिया जा रहा है। चलिए हम भी जलेबी खा के आप लोगों को पूरा व्यू दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। जैसा कि दोस्तों देख लीजिए, यहाँ जलेबी भैया बना रहे हैं, और आप लोग देख लीजिए कितना ज़्यादा भीड़ है। अगर आप भी लोग खाना चाहते हैं एक बार ज़रूर आके खाइए, और देख लीजिए भैया पूरा फास्ट बना रहे हैं वहाँ। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, दोनों जगह जलेबी फ्राई हो रहा है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से दो दो कढ़ाई रखा चुका है, क्योंकि ये कढ़ाई में संभव नहीं है इतना भीड़ को देना। पूरा फास्ट सर्विस हो रहा है यहाँ पे। और देख लीजिए जैसे ही जलेबी फ्राई होता है तो उसके बाद चाशनी में डाला जाता है, वही चाशनी में डालने के बाद चाशनी में से निकाल कर वहाँ पे जलेबी सर्व होता है। देख लीजिए दोस्तों जलेबी का भीड़ देख लीजिए कितना ज़्यादा है। जैसे ही जलेबी निकलता है वैसे हम भी खा के आप लोगों को पूरा टेस्ट बताते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। और भीड़ ज़्यादा होने की वजह से देख लीजिए दो दो कढ़ाई में काम हो रहा है, और वहाँ देख लीजिए चाशनी में डला रहा है, और कुछ चाशनी यहाँ पे बन के तैयार हो रहा है। ऐसा कि दोस्तों देख लीजिए भैया यहाँ पे जलेबी खा रहे हैं, बताइएगा भैया टेस्ट कैसा है यहाँ का? टेस्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है, मीठा। और क्या कहना चाहिएगा व्यूअर लोग को यहाँ पे आने के लिए? अच्छा आएगा, खाएगा सब, यहाँ पर बहुत अच्छा बनाते हैं, भीड़ बहुत रहता है। दोस्तों देख लीजिए कस्टमर का भीड़ कितना ज़्यादा है, और सब कोई जलेबी का वेट कर रहे हैं, और वहाँ भी काम पूरा फास्ट चल रहा है। जैसे ही उसमें से फ्राई होकर निकल रहा है वैसे चाशनी में डला रहा है, चाशनी को पाक बोला जाता है, और फिर उसमें से निकलने के बाद यहाँ पे जलेबी सर्व हो रहा है। और जैसे ही उस चाशनी में से निकल रहा है वैसे जलेबी ख़त्म हो जा रहा है। और कस्टमर लोग का आप लोग भीड़ देख के समझ सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। अगर आप भी लोग खाना चाहते हैं एक बार ज़रूर आके जलेबी खाइए। जैसा कि दोस्तों देख लीजिए कुछ इस तरह से जलेबी फ्राई हो रहा है, और देखिए जलेबी का साइज कितना बड़ा है। और आप भी लोग जलेबी खाना चाहते हैं आइए खाइए जलेबी, एकदम बढ़िया टेस्ट आप लोगों को मिलने वाला है। अगर अभी तक आप लोग जलेबी यहाँ का नहीं खाएं एक बार ज़रूर आके खाइए, काफ़ी फेमस जलेबी यहाँ का है। और चलिए हम भी खा के आप लोगों को टेस्ट बताते हैं, और क्राउड देखिए कितना ज़्यादा है। दोस्तों देख लीजिए भैया जलेबी को निकाल रहे हैं, और जलेबी का साइज देख के आप लोग समझ ही सकते होंगे कितना बड़ा साइज है। जब भैया लोग भी बैठ के जलेबी खा रहे हैं, बताइए भैया टेस्ट कैसा? A1 टेस्ट है भाई, A1 एकदम बढ़िया जलेबी है। दोस्तों देख लीजिए हल्का फ्राई जैसे ही जलेबी होता है वैसे ही इस कढ़ाई में डाला जाता है, और उसके बाद इसमें पूरा फ्राई जैसे ही लाल हो जाता है उसके बाद चाशनी में डाला जाता है, और उसके बाद जलेबी सर्व होता है। और आप लोग भीड़ देख के समझ ही सकते होंगे कितना यहाँ का फेमस जलेबी है। देख लीजिए दोस्तों कस्टमर का भीड़, और भैया लोग देख लीजिए कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इधर छोटू मटेरियल निकाल रहे हैं, यहाँ देख लीजिए जलेबी बन रहा है, और वहाँ देख लीजिए जलेबी सर्व हो रहा है, और सबसे आगे आप लोग देख सकते हैं जलेबी पैकिंग हो रहा है, और कस्टमर लोग का भीड़ देख लीजिए। अगर आप भी लोग खाना चाहते हैं एक बार ज़रूर आके खाइए। तो जलेबी का दुकान का नाम है लाजवाब जलेबी, अगर आप भी लोग खाना चाहते हैं एक बार ज़रूर आके खाइए। दोस्तों देख लीजिए भैया भी जलेबी खा रहे हैं, भैया से पूछेंगे कैसा टेस्ट है भैया? बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और व्यूअर लोग को क्या कहना चाहिए यहाँ पर आने के लिए? बहुत अच्छा है, आइए खाइए, अच्छा लग रहा है, टेस्ट अच्छा। जी जी जी। दोस्तों यहाँ भी भैया लोग जलेबी खा रहे हैं, बताइए भैया टेस्ट कैसा? बहुत मीठा है एकदम, आज राष्ट्रीय पर ये है मिठाई, तो इसको हमेशा के लिए चॉइस है कि जलेबी खाना चाहिए। दोस्तों ये भैया अभी जस्ट जलेबी खा के आए हैं, और भैया कहें हमसे तो पूछे ही नहीं, बताइए भैया आपको टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट बहुत अच्छा है, और हम लोग जो है भिकना पहाड़ी से जलेबी खाने के लिए यहाँ आए हुए हैं, बहुत ही टेस्ट यहाँ का, हम लोग यहाँ पढ़ते हैं तो हमेशा जलेबी खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है जलेबी, अच्छा लगता है, बहुत टेस्ट है। हाँ, और आज चूँकि गणतंत्र दिवस है राष्ट्रीय जलेबी को हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं। टेस्ट लगा भैया आपको खाकर? बहुत अच्छा लगा। दोस्तों देख लीजिए भैया भी जलेबी लिए हैं, कैसा टेस्ट लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दोस्तों देख लीजिए भैया भी जलेबी खा रहे हैं, कैसा टेस्ट लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, स्वादिष्ट है, बिहार का फेमस जलेबी दुकान है, यहाँ पे सब दिन बहुत भीड़ लगा रहता है, आज खास करके ज़्यादा है 26 जनवरी को लेकर के। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए यहाँ इतना दूर से 2 किलोमीटर चल के आए यहाँ पे खाने के लिए। जैसा कि दोस्तों भैया 2 किलोमीटर से आए हैं, और भैया ये साइकिल से कह रहे हैं आए हैं जलेबी खाने? पर्सनली नहीं, पर डे खाते हैं। पर डे खाते हैं जी। कर लीजिए दोस्तों कस्टमर लोग का भीड़, अगर आप भी लोग जलेबी खाना चाहते हैं एक बार ज़रूर आइए। और जलेबी का दुकान का जो नाम है लाजवाब जलेबी दुकान का नाम है, और नाम ही देखिए कितना गजब है, लाजवाब जलेबी। अगर आप भी लोग खाना चाहते हैं एक बार ज़रूर आइए। जैसा कि दोस्तों देख लीजिए जलेबी को भैया फ्राई कर रहे हैं, और चलिए भैया से कुछ पूछते हैं जलेबी के बारे में। दुकान कब बजे खुलता है? 3 बजे भैया। 3 बजे शाम को?
रात को कितना बजे तक चलता है? 10 बजे तक। रात को 10 बजे तक। जैसा कि दोस्तों भैया का कहना है, रात को 10 बजे तक यहाँ पे जलेबी मिलता है और शाम को 3 बजे खुल जाता है। जैसा कि दोस्तों देख लीजिए कस्टमर लोग का भीड़, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है कस्टमर लोग का जलेबी खाने के लिए। दोस्तों यहाँ भीड़ देख लीजिए कितना ज़्यादा भीड़ है। अगर आप भी लोग जलेबी खाना चाहते हैं आइए यहाँ पे, और कुछ दूर तक आदमी जलेबी खा रहे हैं, और इधर भी हम आप लोग को कुछ दिखा दें, और उधर भी देख लीजिए आदमी खा रहे हैं, और यहाँ देख लीजिए जैसे ही जलेबी फ्राई होकर निकलता है चाशनी में डालाता है फिर यहाँ सर्व होता है, और भीड़ पे भीड़ बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे शाम होते जा रहा है। चलिए अब हम भी जलेबी खा के आप लोग को टेस्ट बताते हैं। और एड्रेस की जहाँ तक हम बात करते हैं, सबसे पहले आप लोग आइएगा बाज़ार समिति रामपुर रोड, और रामपुर रोड से ठीक आगे बढ़िएगा तो नहर आएगा आप लोग, नहर सामने में आप लोगों को मेहता मैथमेटिक्स कोचिंग दिखता होगा, वहाँ पे कोई से भी पूछेगा लाजवाब जलेबी के पास जाना है कोई भी बता देंगे। और यहाँ का बहुत ही फेमस जलेबी है, आप लोग आके खाना चाहते हैं एक बार जरूर आके खाइए। और चलिए अब हम भी खा के आप लोगों को पूरा टेस्ट बताते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। जैसा कि दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं जलेबी कितना अच्छा गर्मा गर्म आ चुका है, चलिए अब आप लोग को खा के हम टेस्ट बताते हैं। जलेबी को कुछ नहीं करना है दोस्तों, जलेबी को हाथ में लेना है और खाना है। खा ले। मज़ा आ गया दोस्तों। और ये जलेबी के अंदर जो है ना इलायची का फ्लेवर है, और जलेबी खाने का बात ही कुछ और है। अगर ठंड के समय में जलेबी मिल जाए उसका बात ही कुछ और है। और लाजवाब टेस्ट है दोस्तों, अगर आप भी लोग खाना चाहते हैं एक बार ज़रूर आइए। चलिए ये फटाफट खा के पूरा हम पूरा आगे का व्यू दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। एक बार लास्ट हम लेते हैं और चलिए कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं। कैसा लगा दोस्तों आज का ब्लॉग? ब्लॉग अच्छा लगा होगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा अच्छा ब्लॉग के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा भैया इस जगह का भी ब्लॉग बना दीजिए। फाइनली हम उस जगह का ब्लॉग बना देंगे, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, मस्त रहें स्वस्थ रहें। और एक चीज़ हम कहना आप लोगों को भूल ही गए, अभी हम जलेबी खाएँ, जलेबी का टेस्ट इतना अच्छा था हम आप लोगों को कुछ कह नहीं सकते हैं। और अगर आप भी लोग खाना चाहते हैं एक बार ज़रूर आके जलेबी खाइए।